के अंदर टूट गया है, इसको पूरा बाहर लेंगे नीचे तभी ये बाहर आएगा। इसके लिए टॉप पूरा बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे है, यहाँ पे है इसका रजिस्टर जो कि ये खोला हुआ है। फिर भी ये बाहर नहीं आ रहा है, इसका स्क्रू यहाँ पीछे से लगा हुआ है, ये वाला, और ये इसके लिए खोलना पड़ेगा बोल्ट पीछे से। और यहाँ पे है। पट्टी पेंट पे इसे थोड़ा इसको बाहर लेना पड़ेगा, इसे सरका के बाहर लेंगे। अंदर में भी बोल्ट है, पकड़ो। हाँ, अब बाहर आया आराम से, पाइप नहीं टूटे हैं। कौन सा दिख रहा है? तीन स्क्रू है, एक दो। ज़्यादा पीछे मत लो, अगर इसको संभाल के खोलना है, पाइप बंद नहीं हो। यहाँ भी इसके पीछे साइड से स्क्रू दिया हुआ है, अभी कवर बाहर नहीं आ रहा है, पीछे खोलने के बाद भी। यहाँ से देखो ऐसा है, दिख रहा है? हाँ, यहाँ भी स्क्रू लगा हुआ है। तीन स्क्रू देंगे? तीन स्क्रू यहाँ भी लगा हुआ है। इसका स्क्रू ध्यान देखो कौन सा है। इसका मोटर और ये है इसका कूलिंग कॉइल।
जाली टूट गए हैं, तो इसके मोटर बाहर निकालेंगे। ये है मोटर, इसको मैंने बाहर निकाला है, इसका ब्लेड टूट गया है, मगर सिर्फ इसका ब्लेड मिलता नहीं है, कंप्लीट मोटर आता है। इसका पूरा असेंबली रिप्लेस करना पड़ता है। स्मूथ है, कोई आवाज़ नहीं था, आवाज़ नहीं आ रहा है। पहले इसमें आवाज़ आ रहा था, इसके वजह से इसका पूरा खोला एसी, इसके अंदर का मोटर ख़राब हो चुका था, मोटर डाला, अभी कोई भी आवाज़ नहीं है। फर्स्ट सेकंड फ्लो भी बढ़िया आ रहा है इसमें, पहले एक पे पूरा वाइब्रेट करता था और आवाज़ आ रहा था, इसकी वजह से इसका मोटर रिप्लेस किया, जिसका आपका वीडियो में देख चुके होंगे आप। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी गाड़ी इर्टिगा पेट्रोल सीएनजी, इसका ब्लोअर ख़राब हो चुका था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।